हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। कोई बच्चा अगर 10th क्लास में है और हमसे जुड़ना चाहता है तो हमें हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं, इन सभी को बताना चाहूँगा कि क्लास 12th का हमने डिफ्रेंसिएशन ख़त्म कर लिया है। अब हम कॉन्टिन्यूटी, ये टॉपिक है चैप्टर 5 का, उसे पढ़ेंगे और डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, तो सभी बच्चे अच्छे से समझें, बारीकी से टॉपिक पर ध्यान दें। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी। बेटा, इस चैप्टर में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने थे, 5.1 है इंट्रोडक्शन, 5.2 है कॉन्टिन्यूटी, 5.3 है डिफ्रेंसिबिलिटी, 5.4 है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड 5.5 है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, 5.6 है डेरिवेटिव फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और 5.7 है बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और 5.8 है बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 5.4 से लेके 5.7 तक सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उनके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम पूरा मिक्स क्वेश्चंस इसके करेंगे। इस असाइनमेंट आप लोगों को दिए जाएंगे, उसमें से मिक्स क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मेरे नोट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर कोई बच्चा चाहता है इसकी हार्ड कॉपी लेना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 9136300428, इस पर कॉल कर इसकी हार्ड कॉपी आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5.8 जो टॉपिक हमने अभी नहीं किया है वो है मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग, इसको मीन वैल्यू थ्योरम और एक रोल्स थ्योरम, इसके अंदर एक थ्योरम और है, वो है रोल्स थ्योरम। ये हम सबसे आखिरी में करेंगे। हमने 5.7 तक डेरिवेटिव पढ़ लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 5.2 कॉन्टिन्यूटी, यानी कि इस चैप्टर का जो हमारा एनसीईआरटी में 5.1 एक्सरसाइज है, उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलो कॉन्टिन्यूटी क्या होता है पहले इस बात को समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी होता है बच्चों, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो बच्चों, इसमें ये बताना चाह रहा है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यदि राइट हैंड लिमिट के इक्वल हुई तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा बच्चों? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हुई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स माइनस एच होती है और राइट हैंड लिमिट एफ एक्स प्लस एच होती है, और एग्जैक्ट फंक्शन, ये तीनों यदि इक्वल होते हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कहलाता है। हमने क्लास 11th में इस बात को अच्छे से समझा था, अभी दोबारा से हम इस बात को समझ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये 2D प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट है बच्चों जीरो, ये हमारा ओरिजिन है जीरो। क्या है बच्चों? ओरिजिन। अब यहाँ से अगर हम कुछ जीरो में से माइनस करते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हम जीरो में से माइनस करते हैं, तो
आंसर जो होगा वो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। वैल्यू कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में जाएगी। यदि जीरो माइनस हम एच करते हैं तो हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर बच्चों एच जो होता है वो एक माइनर वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों, एक माइनर वैल्यू होती है। जैसे कि मेरा पॉइंट यहाँ पर है, यदि मैं हल्का सा नीचे आया, हल्का सा नीचे आया, किसी को आइडिया नहीं लगेगा कि मैं नीचे आया हूँ, मगर हल्का सा मेरी पॉइंट नीचे की तरफ आया है, निब नीचे आया है पेन का, तो हमने कोई मूवमेंट की है, ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मैंने इंक्रीज मूवमेंट की है, इंक्रीज किया है अपने मूवमेंट को। इसी प्रकार अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो लेफ्ट में कोई मूवमेंट हुई है, राइट में जाता हूँ तो राइट में कोई मूवमेंट हुई है। मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों, एक ऐसी मूवमेंट यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो जीरो मानी जाती है, यानी कि एच को जीरो माना जाता है, मगर वो एक्चुअल में बच्चों जीरो नहीं होती। एक ऐसी माइनर वैल्यू जो जीरो के बहुत क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। तो हम किसी भी वैल्यू में से उस एच को, उस जीरो के क्लोज होने वाली जो वैल्यू है उसको माइनस करते हैं तो हम एग्जैक्टली लेफ्ट में जाएंगे। अगर हम उसको ऐड करते हैं, यदि हम उसको ऐड करते हैं जीरो में, तो जीरो प्लस एच जो होगा वो राइट में होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी बच्चों, और ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद जो एग्जैक्ट जीरो है वो एफ जीरो, यानी कि वो एग्जैक्ट जीरो पर, यानी कि हमें इन तीनों एफ के अंदर, फंक्शन के अंदर वैल्यू डालनी है, और इन तीनों वैल्यू पर हमें अपनी इमेज चेक करनी है। अगर हमारा रिजल्ट इन तीनों पर इक्वल आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि इक्वल आती है राइट हैंड लिमिट के और एग्जैक्ट फंक्शन के इक्वल आती है तो हम एक्स कह सकते हैं, एफएक्स, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स जब वन से बड़ा है और इक्वल है, और यहाँ पर एक्स वन से छोटा है, तब तो ये फंक्शन है, हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, यानी कि जो इमेज है हमें वन पर चेक करनी है। तो बहुत सिंपल है बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एक्स माइनस एच, यानी कि एक्स में से हम एच को माइनस करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक्स की वैल्यू पता है वन है, तो वन माइनस एच हो जाएगा। तो वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब क्या है बच्चों, आप खुद सोचो, वन माइनस एच का मतलब क्या, ये नहीं हो सकता कि वन से छोटा, हैव गॉट इट, वन से छोटा, यानी वन में से कुछ माइनस करेंगे। तो वन से छोटा हो जाएगा, और वन से छोटा हमारे इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू है, आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, वन से छोटी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर कैरी करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम फंक्शन ले लेंगे 2x, हम यूज करेंगे इस फंक्शन को 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मगर ये एफ एक्स है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, मगर एफ एक्स पूरा एक्स की जगह पर हम 1 माइनस एच यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो एच दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना एच की एक लिमिट सेट कर ली जाए, जो कि आप सबको पता है और मैं बता भी चुका हूँ, एच की एक लिमिट होती है जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे एल टी, एल टी मतलब बच्चों लिमिट, एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, ओके बच्चों। उसके बाद
हम इस लिमिट को इसके अंदर डाल देंगे। और 11th क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों हमने, कि हम लिमिट कब पुट नहीं कर सकते, हम लिमिट तब पुट नहीं कर सकते जब 0/0, या तो रिजल्ट 0/0 हो या 1/0, यानी कि कुल मिला के अपॉन में 0 आता हो हमारे रिजल्ट में, तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। अगर हम इधर लिमिट पुट करेंगे तो अपॉन में 0 आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, यानी कि लिमिट पुट कर सकते हैं। तो हम लिमिट पुट कर देंगे बच्चों, तो 2 1-0 - 1-0² तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 1 - 1 का स्क्वायर बच्चों 1, तो रिजल्ट आ गया बच्चों 1। ओके बच्चों, इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट यानी कि बच्चों f(x+h) क्या होगा बच्चों, f(x+h). ओके बच्चों, अब f(x+h) में हम x की जगह पर 1+h लिख सकते हैं, 1+h, और 1+h आ गया तो यानी कि 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा फंक्शन हमें कौन दिखाई दे रहा है, 1 से बड़ा फंक्शन हमारा यहाँ पर है, यानी कि हम लिख सकते हैं x²+2x, क्यों ना हम यहाँ पर यूज़ करें, x की जगह पर 1+h और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह पर 1+h, और लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, h→0, और इस लिमिट को हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 1+0² + 2 1+0। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर होता है 1 + 2 = 2, तो रिजल्ट आ गया बच्चों 3। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके बच्चों, या हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि भाई fx हमें दिया हुआ है mod x - 1, जब x 1 से बड़ा है, जब बच्चों x क्या है 1 से बड़ा है, और यहाँ पर हम ले सकते हैं पॉजिटिव, मॉड नहीं ले रहे बच्चे, पॉजिटिव ऐसे ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा ले लिया हमने, एक्स जब 1 से छोटा है तो -x - 1 और इक्वल वाले केस में भी हमने ये ले लिया, तो ये फंक्शन है और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x = 1 पर। बहुत सिंपल है बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के लिए, यानी कि 1 - h, 1 में से h माइनस किया, यानी कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा आपको कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं -1 - h, जहाँ पर x है बच्चों वहाँ पर 1 - h, क्योंकि f x पढ़ रहे हैं हम इसको, और -1, ये कंप्लीट हो गया, और पूरा फंक्शन h में है, तो लिमिट h→0। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें लिमिट डाल देते हैं तो -1 - 0 - 1 आता है, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे बच्चों तो रिजल्ट 0 आएगा। आपको समझ आया होगा। अब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं बच्चों।
राइट हैंड लिमिट होती है बच्चों एफ वन प्लस एच, यानी वन से बड़ा। और वन से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह पर रखेंगे वन प्लस एच और माइनस में क्या है बच्चों वन, और इसके बाहर लिमिट लगा देंगे एच टेंड्स टू जीरो। आई होप आपको समझ आया होगा। अब लिमिट डाल देंगे बच्चों वन प्लस जीरो माइनस वन, रिजल्ट अगेन जीरो। अब आप इसको, हम इसको लास्ट प्रोसीजर को सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट एफ एक्स, एफ एक्स यानी कि एक्स, एक्स क्या है बच्चों वन, और वन के बराबर कहाँ पर है, यहीं पर, यानी कि हम लिख सकते हैं वन माइनस वन अगेन जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है एग्जैक्ट एफ एक्स के। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम कह नहीं सकते फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आई होगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो आज हमने फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे निकाला जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये जान लिया है। और आपको एनसीईआरटी 5.1 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं बच्चों, क्या करने हैं, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। कल हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन्यवाद, थैंक यू।